धूमधाम से शिव जयंती का त्यौहार मनाने वाले, कभी भी सुस्ती नहीं करने वाले निर्विघ्न परमात्म स्नेही ब्राह्मणों को गॉडली मॉर्निंग। सृष्टि चक्र में परमात्म अवतरण का समय है अभी। चारों तरफ विनाश की ज्वाला प्रचंड है, धर्म ग्लानी है, मौत का बाजार गर्म है। ऐसे समय में बाबा आकर हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। ज्ञान सूरज आते हैं और अज्ञान अंधियारा मिट जाता है। हमें तीनों कालों की स्पष्ट समझानी देते हैं, हमारे कर्तव्य से हमें परिचित कराते हैं, भक्ति मार्ग में हमने क्या गलतियां की उसकी जानकारी देते हैं। ऐसे कलयुगी वातावरण में हमें अब क्या करना है, कैसे अपनी संभाल अपना बचाव करना है, ये समझेंगे आज 14 दिसंबर 2022 की मीठी मीठी मुरली में। मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तुम त्रिकालदर्शी बने हो, लेकिन यह अलंकार अभी तुम्हें नहीं दे सकते क्योंकि तुम पुरुषार्थी हो। स्थूल आंखें तो थी हमारे पास दो, चर्म चक्षु, बाबा ने हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया। हाँ, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाया, त्रिकालदर्शी हम बने। बाबा कहते हैं फिर भी तुम्हें दैवीय अलंकार तो नहीं दे सकते क्योंकि तुम अभी पुरुषार्थी हो। हमारी अवस्था डगमग होती रहती है, हम आते हैं जाते हैं। हाँ, कभी बाबा को याद करते कभी भूल जाते हैं, कभी बाबा के साथ चलते कभी साथ छोड़ देते हैं, हाथ छुड़ा लेते हैं हम। तो बाबा कहते हैं अभी अलंकार तुम्हें दे नहीं सकते, पर हाँ, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है और त्रिकालदर्शी हमें कह सकते हैं क्योंकि हमें तीनों कालों की समझ मिल गई है, जानकारी मिल गई है। प्रश्न है, गृहस्थ में रहते कर्म अवश्य करना है, लेकिन किस एक बात की संभाल जरूर रखनी है। गृहस्थ में रहेंगे, कामकाज तो करना ही होगा, तो बाबा कहते हैं एक बात की संभाल रखो। क्या है वो बात, सुनते हैं। कर्म करते व्यवहार में आते अन्न की बहुत परहेज रखनी है। कहते हैं ना, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। तो किसके हाथ का भोजन हम खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, बाबा कहते हैं इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए, बहुत परहेज रखना चाहिए। पतितों के हाथ का नहीं खाना है, अपने को बचाते रहना है। बाबा कह रहे हैं पतितों के हाथ का नहीं खाना, अपने हाथ से बनाकर खाओ। बाबा की याद में बनाया हुआ, बाबा को भोग लगाया हुआ महाप्रसाद, ब्रह्मा भोजन हमें खाना है। बाबा कहते हैं अपने को बचाओ, कर्म सन्यासी नहीं बनना है, कर्म करना थोड़ी छोड़ देंगे। बाबा कहते हैं कर्म सन्यासी नहीं बनना है, लेकिन परहेज जरूर रखनी है, तुम कर्म योगी हो। बाबा की याद में हमारा हर कर्म हो, कर्म करते बाप की याद में रहो तो विकर्म विनाश होंगे, क्योंकि कभी भी फिर हम गलत काम नहीं करेंगे। तो बाबा कहते हैं नया क्रिएट भी नहीं होगा और याद करते रहेंगे तो पुराना भस्म भी होगा, तो कितना फायदा है बाबा को याद करने से। तो बाबा की याद में रह के भोजन बनाओ, खाओ, सबको खिलाओ। ओम शांति। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, जब कोई गीता आदि सुनाते हैं तो कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की ग्लानी अधर्म की वृद्धि होती है तब भगवान आते हैं। बरोबर धर्म की ग्लानी होती है, ग्लानी माना निंदा, तो भारत में धर्म की ग्लानी और अधर्म की वृद्धि हो जाती है। मैं आता ही तब हूँ जब यह हालत होती है, बहुत दुख है, मौत सामने खड़ा है, विनाश के लिए मूसल भी तैयार हैं, कितने बॉम्ब्स मिसाइल सब तैयार हैं, चारों तरफ देखो दुख ही दुख है, किसकी मौत किस सेकंड आ जाए कोई भरोसा नहीं। तो अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, क्यों आए हैं, आदि सनातन धर्म की स्थापना करने, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना, बरोबर यह तीनों कर्तव्य अभी चल रहे हैं। अभी तुम ब्राह्मण हो और जानते हो अभी यह ब्राह्मण से फिर देवता बन रहे हैं, अभी शिव बाबा के पोतरे हैं, शिव बाबा का एक बच्चा, एक से फिर तुम कितने बच्चे बनते जाते हो।
पतितों को पावन बनाने की सेवा तुम कर रहे हो। यह है बेहद का यज्ञ। यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हुई थी। इस यज्ञ के बाद फिर कोई यज्ञ होगा ही नहीं। 2500 साल तक फिर कोई यज्ञ की जरूरत नहीं है ना, सब सुखी होंगे। सतयुग त्रेता में कोई यज्ञ रचते ही नहीं, यज्ञ रचते ही हैं विघ्नों को हटाने के लिए। यह तो बहुत भारी विघ्न है, तो इसके लिए बड़ा यज्ञ चाहिए। कलयुगी दुनिया का क्या हाल है ना, विकार अपनी चरम सीमा पर है, तो फिर तो बहुत बड़ा यज्ञ चाहिए ना। बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया की आहुति इसमें डल जाएगी, पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। तो यह है बेहद का यज्ञ। इसमें पुरानी दुनिया की सामग्री जो भी है वह सब स्वाहा होनी है। रुद्र अथवा शिव बाबा एक ही है। जैसे शिव का रूप है वैसे रुद्र का भी रूप है। शिव का ही नाम रुद्र है। श्री कृष्ण तो साकारी है, इसका सच्चा सच्चा नाम ही है शिव ज्ञान यज्ञ। शिव बाबा कहते हैं, रुद्र बाबा नहीं कहते हैं। भोला भंडारी शिव बाबा को कहते हैं। यह है शिव बाबा का यज्ञ। उनसे हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिल रही है। तुम जानते हो हमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तो अब सब चीज किससे देखनी है, ज्ञान के तीसरे नेत्र से, है ना। यानी स्थूल जो चक्षु हैं, हमारे चर्म चक्षु हैं, इनको अब आराम देना है। बहुत काम ले लिया इनसे, तो अब हर चीज हर बात हमें ज्ञान के तीसरे नेत्र से समझनी है, देखनी है। देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं ना, परंतु यह है ज्ञान का तीसरा नेत्र जो तुम ब्राह्मणों को मिलता है, जिससे तुम देवता बनते हो। वहाँ तीसरे नेत्र की दरकार नहीं है, सतयुग में तो नहीं चाहिए, परंतु तुमको तो दिखा नहीं सकते क्योंकि तुम पुरुषार्थी हो, चलते चलते भाग जाते हो। इसलिए जो फाइनल रिजल्ट वाले हैं उनको यह अलंकार दिए हैं, माना हमारा संपूर्ण रूप, तब बाबा हमको वो अलंकार देते हैं, है ना। बाबा कहते हैं भक्ति में इसलिए दिखाया है संपूर्ण रूप को अलंकार, नहीं तो देवताओं के पास थोड़े ही शंख चक्र आदि हैं। शंख चक्र गदा पदम ये दिखाते हैं ना विष्णु के हाथ में, तो वो हमारा संपूर्ण स्वरूप। बाबा आगे कहते हैं, यह सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत की नॉलेज तुमको सुना रहे हैं। उन्होंने फिर शास्त्रों में लिख दिया है कि स्वदर्शन चक्र से फलाने को मारा यह किया। बाप कहते हैं, मैं तो पतितों को पावन बनाने आता हूँ, इसमें हिंसा की तो बात ही नहीं है। बाबा पतितों को पावन बनाते हैं, भगवान हैं, तो कोई हिंसा करेंगे क्या। बाबा कहते हैं, देवताओं का है ही अहिंसा परमो धर्म। न बाबा हिंसा सिखाते हैं और ना ही देवताएं हिंसा करते हैं, तो देवताओं का है ही धर्म क्या, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। श्री कृष्ण के लिए फिर हिंसा करना कैसे लिखा है, कैसे वंडरफुल चित्र बनाए हैं। चक्र दिखा दिया, धनुष बाण दिखाया, देखो देवताओं के हाथ में, तो कोई देवताएं हिंसा थोड़ी करेंगे, तो अपने विकारों को भस्म करने की, विकारों को मारने की, विकारों को दूर करने की बात है। डबल अहिंसक बाबा कहते हैं ना, काम कटारी भी नहीं चलाना है, तो स्थूल हिंसा कैसे करेंगे। तो बाबा कहते हैं, कैसे वंडरफुल चित्र बनाए हैं। वहाँ ही गीता सुनाते, राजयोग सिखाते, वहाँ ही फिर किसको मारते हैं। हाँ, युद्ध के मैदान में कुरुक्षेत्र में दिखाया, गीता सुना रहे हैं, राजयोग सिखा रहे हैं और फिर युद्ध करना सिखा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है किसी को मार रहे हैं। बाप को तो याद करते ही इसलिए हैं कि आकर पतित दुनिया को पावन बनाओ, राजयोग सिखाओ। बाप कहते हैं, ज्ञान का सागर नॉलेजफुल मैं हूँ, तुमको नॉलेज मिल रही है, इसको ही अमर कथा कहते हैं। अमर लोक में हम जाने वाले हैं ना, पता चला आत्मा अमर है, तो इसको ही अमर कथा कहते हैं। वह तो शिव शंकर को एक कह देते हैं, शंकर सूक्ष्म वतनवासी वह कैसे कथा सुनाएंगे, उनको तो नॉलेजफुल नहीं कहा जाता। शिव बाबा सारे सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं, जो नॉलेज कोई के पास है नहीं। बाप धनी को न जानने के कारण ही ऑर्फन बन पड़े हैं, देखो अपने पिता को नहीं जानते तो अनाथ जैसे घूम रहे हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। सतयुग में कोई झगड़ा होता ही नहीं, न रोना न पीटना, इसलिए मोहजीत राजा की कथा सुनाते हैं।
कि राजकुमार के मौत की खबर सुन के भी पूरी प्रजा, राजा, कोई भी जो है वो विचलित नहीं हुआ ना, सब मोह जीत। तो कथाएं तो ढेर हैं, हर एक धर्म में किस्म किस्म की कथाएं हैं जो सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। पूरा किस्से कहानी से ही सब भरा हुआ है। भक्ति करते हैं भगवान से मिलने लिए, आधा कल्प भक्ति करते आए हैं, भगवान तो किसको मिला ही नहीं। हाँ, भक्ति पूरी हुई तब मिलता है ना भगवान, आकर देते हैं ज्ञान। तो अब बाप ने तुम बच्चों को परिचय दिया है, तुम्हें फिर औरों को देना है। सन शोस फादर, तो बाप का परिचय दे सबको, नॉलेज बताते रहते हो। तुम हर एक बच्चे की बुद्धि में है कि शिव बाबा हमारा रूहानी बाप है। यह भी भक्ति मार्ग वालों को समझाना है कि तुम्हारे दो बाप हैं, एक लौकिक बाप, दूसरा पारलौकिक बाप, जिसको गॉड फादर कहते हैं, जिसने यह बेहद की रचना रची है। बाप से तो जरूर वर्षा मिलता होगा, वह है ही स्वर्ग की रचना रचने वाला। भारत स्वर्ग था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उन्होंने यह राज्य किसने दिया? कलयुग अंत में कोई भी विश्व का मालिक है नहीं, यह है ही रावण राज्य। खुद भी कहते हैं हमको राम राज्य, नई दिल्ली में दैवी राज्य चाहिए। राम राज्य है सतयुग त्रेता, रावण राज्य है द्वापर कलयुग। द्वापर से ही भक्ति मार्ग शुरू होता है, विकार भी शुरू होते हैं जिसकी निशानियां भी हैं। देखो कैसे देवताओं को दिखा दिया है विकार में, कैसी मूर्तियां बना दी हैं, कैसी नक्काशी कर दी है। जगन्नाथपुरी के मंदिर में बाहर देवताओं के गंदे चित्र बनाए हैं, ताज तख्त आदि वही है, सिर्फ चित्र विकारी दिखाते हैं। जब देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं, माना उल्टे रास्ते गए, देह अभिमान में आ गए, तो फिर धरती की उथल पाथल भी होती है। तो जब वाम मार्ग में चले गए फिर उनको देवताएं थोड़ी कहेंगे, पर आत्माएं तो वही थी। तो बाबा कहते उथल पाथल होती है धरती की, सोने हीरे के महल सब नीचे चले जाते हैं। पूजा के लिए कितना भारी मंदिर बनाया है भक्ति मार्ग में, देखो सोमनाथ का मंदिर पहला मंदिर, फिर और भी कितने कितने मंदिर बनते हैं। तो बाबा कहते हैं कि पूजा के लिए कितना भारी मंदिर बनाया है भक्ति मार्ग में, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। बाप समझाते हैं मैं तो पुजारी नहीं बनता हूँ, अगर मैं बनूँ तो मुझे फिर पूज्य कौन बनाएगा, मैं न पतित बनता हूँ न बनाता हूँ। पतित तुमको रावण बनाते हैं जिसको जलाते आते हैं। इस समय पाप आत्माओं की दुनिया है, गाते भी हैं पतित पावन आओ, फिर कह देते पतित पावन सीताराम। झट त्रेता वाले राम की याद आ जाती है, सब सोचते हैं ना त्रेता वाला राम, तो अब वह तो पतित पावन नहीं है। बाप यह सब बातें समझाते हैं, तुम सब सीताएं हो द्रौपदियां हो। एक की बात नहीं है, द्रौपदी को पांच पति दिखाते हैं, ऐसी बात है नहीं। देखो सब कैसे कथा कहानी बना दिए हैं। भारत ही प्राचीन पवित्र खंड था क्योंकि पतित पावन परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है, उसने यहाँ आकर पतित नरकवासियों का उद्धार किया है। सब धर्म वाले गॉड फादर को याद करते हैं क्योंकि सब तमो प्रधान हैं, इब्राहिम, बौद्ध आदि सब इस समय हाजिर हैं, अपने ही धर्मों में पालना कर रहे हैं ना, किसी न किसी रूप में हैं, किसी न किसी रूप में माना है तो मनुष्य हैं, लेकिन उनको कोई अभी पहचानते नहीं, तो पुनर्जन्म तो अपने ही धर्म में धर्म स्थापक लेंगे क्योंकि उन्हें पालना करनी है अपने स्थापित किए हुए धर्म की। तो पहला नंबर ब्रह्मा भी पतित दुनिया में है तो और कोई वापस कैसे जा सकता, जो पहली आत्मा उतरी धरती पर जब वो भी यही है तो बाकी कैसे जाएंगे। सभी इस समय कब्र दाखिल हैं, बाप आकर सबको गति सदगति देते हैं। सतयुग में भारत पवित्र था, देवताओं के आगे गाते भी हैं आप सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम डबल अहिंसक। सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, हम विकारी हैं, इस समय सब विकारी हैं, सबको निर्विकारी बनाने बाप को आना पड़ता है। तो पतित पावन बाप ठहरा न कि
पानी की नदियाँ। पतित पावन ज्ञान सागर से निकली हुई यह ज्ञान गंगाएं। शिव शक्ति सेना है, शिव से ज्ञान का कलश मिलता है। बाप कहते हैं, बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो, कर्म भी जरूर करना है। यह है ही कर्म योग, कर्म संन्यास तो हो नहीं सकता। वह समझते हैं घर में खाना नहीं बनाते, भीख पर गुजारा करते हैं, इसलिए कर्म संन्यासी हैं। वह तो फकीर ठहरे, अन्न तो भिखारियों का पेट में पड़ता है तो अन्न दोष लग जाता है। भर वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं लेकिन खाना किसके हाथ का खाते हैं? भिखारियों के हाथ का ना, तो अन्न दोष लगेगा। देखो फिर विचार भी कैसे होते हैं। पतित घर से भल निकल जाते हैं, फिर भी जन्म तो पतित घर में लेना पड़ता है। तुमको भी अन्न असर करेगा, इसलिए परहेज रखी जाती है। जैसा अन्न वैसा मन। तो कोई भी दूषित अन्न हमारे मन को दूषित न करे, हमारे विचारों को दूषित न करे, ये बहुत ध्यान रखना है। पतित का अन्न नहीं खाना चाहिए, जितना हो सके अपने को बचाते रहो। कोई का बहुत झगड़ा भी हो जाता है, एक भाई ज्ञान में आता दूसरा नहीं आता, ऐसे बहुत केस होते हैं, है ना। देखो एक ही घर में पति पत्नी, सास बहू, कितने केस होते हैं। इतना बेहद का राज्य लेते हो तो जरूर कुछ झगड़े होंगे। हाँ, कभी भी दूसरा राज्य राजाई मिलती है तो झगड़ा युद्ध होता है ना। खैर यहाँ पे वैसा युद्ध तो नहीं है, छोटे मोटे झगड़े हैं। तो बाबा कहते हैं ये तो चलता ही है ना, बेहद का राज्य मिलने वाला है। तो कोई भी हालत में तुमको अपना बचाव रखना है, युक्तियाँ निकालनी है ना। प्राप्ति क्या है ये तो देखो, तो थोड़ा तो त्याग, थोड़ा तो सहन करना ही पड़ेगा ना, तब मिलेगी राजाई। तो अपना बचाव रखना है, परहेज रखना है। मुक्ति तो कोई पाते नहीं है, गपोड़े मारते रहते हैं, हम ज्योति ज्योत में लीन होंगे। समझाते समझाते आखिर उन्हों की बुद्धि में भी आएगा कि यह बात ठीक है। एक बूंद सागर में मिल गई तो वो बूंद वापस मिलेगी? आत्मा परमात्मा में लीन कैसे हो सकती जबकि वो अजर अमर है, अविनाशी है। धीरे धीरे समझ में आएगा। सत्यों की आयु अगर लाखों वर्ष होती तो संख्या बहुत बढ़ जाती, अभी तो संख्या और ही सबसे थोड़ी है क्योंकि कन्वर्ट हो गए हैं और धर्मों में। देवता धर्म वाले हैं सूर्यवंशी, राम को फिर क्षत्रिय की निशानी दे दी है। अभी तुम रूहानी क्षत्रिय हो, माया पर जीत पाते हो, इसमें समझने की बड़ी बुद्धि चाहिए। योग भी बड़ा सहज है, आत्माओं का योग लगता है परम पिता परमात्मा के साथ। योग आश्रम तो बहुत हैं परंतु वह सब हठ योग कराते हैं, या थोड़ी कहते हैं परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाओ। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको दलाल के रूप में मिले हैं। सतगुरु मिला दलाल, खुद ही खुद से मिला दिया है ना। कहते हैं मामे कम याद करो तो खाद निकल जाएगी, याद करते करते तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे दुनिया का हाल देखो क्या हो गया है। क्या हाल हो गया, संसार की हालत क्या हो गई? और बच्चे कहते हैं देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। तो किया किसने है? हमने किया है ना, हमारी जिम्मेदारी है सुधारने की। कल भी बाबा ने बोला देखो शिव जयंती धूमधाम से मनाओ, सबको बताओ, सेवा करो। तुम जो विश्व के मालिक थे अब बैगर बन पड़े हो, फिर बैगर टू प्रिंस बनना है। भारत बैगर है, पतित राजाएं पावन महाराजा महारानी के मंदिर बनाकर पूजा करते हैं, निराकार शिव बाबा की पूजा करते हैं। द्वापर के राजाएं भी देखो सतयुगी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो निराकार शिव बाबा की पूजा करते हैं, जरूर कुछ किया होगा। कितने मंदिर हैं तुम अभी जानते हो, 5000 वर्ष पहले भी आकर राजयोग सिखाया था। तुमने अनेक बार राज्य लिया है और गंवाया है, अब फिर शांति धाम और सुख धाम को याद करो, दुख धाम को भूलते जाओ। यह सब विनाश होना है, फिर तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बेहद का बाप भी हूँ, तुमको बेहद का वर्षा देने आया हूँ। तुम्हारे दिल में खुशी है, हम अपनी राजधानी श्रीमत पर स्थापन कर रहे हैं, परंतु है सारा गुप्त। रावण पर जीत पानी है,
गाया भी जाता है, माया जीते जगत जीत। पांच विकारों पर जीत पानी है, पांच विकारों का संन्यास करना है। खेवैया तो एक बाप है, सबकी सदगति करने वाले सतगुरु बिगर घोर अंधियारा है। भारत में गुरु तो बहुत हैं, हर आत्मा गुरु है, देखो सबके पास ज्ञान है अपना अपना। तो हर एक स्त्री का पति भी गुरु है, फिर इतनी दुर्गति क्यों हुई है? इतना ज्ञान, इतने सब गुरु, तो फिर दुर्गति क्यों हुई? कह देते हैं सब ईश्वर के रूप हैं, हम ईश्वर हैं। अरे खुद ही आप ईश्वर हो तो फिर किससे योग लगाएं? हम ईश्वर हैं फिर योग किससे लगाएं? फिर तो भक्ति ही बंद हो जाए। यदि सभी भगवान है तो बंद करो भक्ति। फिर हे भगवान कह किसको बुलाते हैं, साधना किसकी करते हैं? खुद ईश्वर थोड़ी कभी बीमार पड़ता है। हाँ, आत्माएं मनुष्य बीमार पड़ रहे हैं तो क्या भगवान बीमार पड़ते हैं? आज नहीं मिलेंगे, आज भगवान जी बीमार हैं। परंतु कोई पूछने वाला नहीं है, डरते रहते हैं श्राप न मिल जाए। अब ये सब बातें मन में आए तो कोई पूछे कैसे? सोचेंगे किसी महात्मा से पूछें तो वो श्राप ही दे दे, गुस्सा ही हो जाए। दुर्वासा ऋषि का देखो नाम फेमस है ना। तो वास्तव में श्राप देने वाला है रावण, बाप तो वर्षा देते हैं। रावण दुश्मन है इसलिए जलाते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र को कब जलाते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। रावण क्या चीज है अभी तुमको मालूम पड़ा है। सतयुग में पावन प्रवृत्ति में सुख था, अभी पतित प्रवृत्ति में दुख है। किसी की भी फैमिली लाइफ अभी देख लो। बाबा कहते हैं अभी इसका विनाश होना है, तुम देखेंगे अर्थक्वेक आदि होती रहेंगी। बाबा भी कहाँ तक बैठ शिक्षा देंगे, लिमिट होगी ना। कितने साल से बाबा पढ़ा रहे हैं, तो एग्जाम देना है, अब तो रिजल्ट आएगी ना। अब तो अंतिम समय है, प्राकृतिक आपदाएं भी आएंगी, तो क्या बाबा बैठ के ज्ञान सुनाते ही रहेंगे? अब जो ज्ञान सुना है हमने, समझा है, तो स्वरूप बने तो परीक्षा तो देनी पड़ेगी ना। लिमिट है ज्ञान देने की भी। राजाई स्थापन होगी और विनाश होगा, अंत में तुम बहुत मजे देखेंगे, शुरुआत से भी जास्ते। देखो कितनी अच्छी बात बोली बाबा ने, शुरुआत में जितने मजे आए उससे भी ज़्यादा मज़ा अब आएगा। तो अब है किसी को दुख कि हम लेट आए हैं? हाँ, है किसी को शिकायत कि हम इस ज्ञान में लेट आए हैं? बाबा सबको मजे कराएंगे। बाबा कराएंगे या अपने अपने मजे आएंगे सबको? मजा मना पछतावा होगा हाँ, कि हम क्या कर सकते थे और हमने नहीं किया। तो बाबा कहते हैं अंत में तुम बहुत मजे देखेंगे, शुरुआत से भी जास्ती। वह तो पाकिस्तान था जब यज्ञ शिफ्ट हुआ यहाँ पर, उस समय देखो क्या चल रहा था भारत पाकिस्तान के बीच में। तो बाबा कहते हैं अभी तो विनाश का समय है, तुमको बाबा बहुत कुछ दिखलाएंगे। फिर जो अच्छी रीति नहीं पढ़े हुए होंगे वह अंदर फथकते रहेंगे। क्या कर सकते हैं? हाँ, जब समय था तब पुरुषार्थ किए नहीं, तब अलबेलापन किए। संडे मुरली क्या थी? अलबेलापन। हाँ, दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं, बार बार प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं। तो जो अच्छी रीति पढ़ाई नहीं करेंगे, जिन्होंने अपना पद निर्धारित नहीं किया, पुरुषार्थ नहीं किया, तो अंदर में पछताएंगे ना, रोएंगे, फथकते रहेंगे, कुल बुलाएंगे, तड़पेंगे। क्या कर सकते हैं? अभी जितना पुरुषार्थ करना है कर लो। बाबा कह रहे हैं अभी जितना पुरुषार्थ करना है कर लो। बाबा कहते हैं ना नाउ और नेवर। बाल बच्चों को तो संभालना ही है, घर गृहस्थी तो संभालना ही है, कायर नहीं बनना है। हाँ, कायर नहीं बनना है, दिल शिकस्त नहीं बनना, डरना नहीं, हारना नहीं, कदम कदम श्रीमत पर चलना है, बाप को याद करते रहना है, बस इसमें ही मेहनत है। पापों का बोझा सिर से कैसे उतरे उसके लिए है सहज योग। यह है ज्ञान बल, योग बल, जिससे माया पर विजय पाकर विश्व के मालिक बनते हो। तो जो कायर होंगे, डरपोक होंगे, वो विश्व के मालिक बन सकते हैं? नहीं। तो अपने लिए जो भी कुछ करना है वो अभी कर लो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, श्रीमत पर ज्ञान और योग बल से माया पर विजय पानी है। विनाश के पहले अपने विकर्मों को विनाश करना है, विनाश हो उससे पहले अपने विकर्मों को विनाश करना है। दूसरा, बेहद का राज्य लेने के लिए हर बात में अपना बचाव करते रहना है, अन्न दोष से बहुत संभाल करनी है। वरदान है, संगम युग के महत्व को जान, स्नेह की अनुभूतियों में समाने वाले संपूर्ण ज्ञानी योगी भव। संगम युग के महत्व को जान, स्नेह की अनुभूतियों में समाने वाले संपूर्ण ज्ञानी योगी भव। बाबा समझाते हैं, संगम युग परमात्म स्नेह का युग है। इस युग के महत्व को जानकर स्नेह की अनुभूतियों में समा जाओ, इसी समय हमें परमात्म प्यार डायरेक्ट मिल सकता है। स्नेह का सागर स्नेह के हीरे मोतियों की थालियां भरकर दे रहे हैं, तो सदा अपने को भरपूर करो। थोड़े से अनुभव में खुश नहीं हो जाओ, संपन्न बनो। हाँ, ऐसा संतुष्ट मणि नहीं बनना है कि इतना सा मिल गया, बस दो बूंद के प्यासे मिल गई दो बूंद, खत्म। नो, स्नेह का सागर उमड़ा है। हाँ, सागर में डूबे रहो, भर भर के हीरे मोती की थालियां लो, ज्ञान रत्न से खुद को श्रृंगारित करो। बाबा कहते हैं संपन्न बनो, थोड़े से अनुभव में खुश नहीं हो, ज्ञान के हर पॉइंट का अनुभव करना है। ये परमात्म प्यार के हीरे मोती अनमोल हैं, इससे सदा सजे सजाए रहो, क्योंकि यह स्नेही योग है और स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। बाबा आया, उनको पूरा हमने लूटा नहीं, उनमें हम समाए नहीं, माना उनके स्नेह में प्यार में समाए नहीं, तो इसका मतलब हमने ज्ञान समझा ही नहीं। स्नेह के सागर में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है, लिख के रख लो। ऐसे रूहानी स्नेह का सदा अनुभव करने वाले ही संपूर्ण ज्ञानी योगी हैं, जो सदा बाबा में डूबे रहे, हाँ नशे में रहे, सदा कनेक्टेड रहे, जुड़े रहें निरंतर, उनको ही कहा जाएगा ना संपूर्ण ज्ञानी योगी, जो बाबा का पूरा फायदा उठाएं, संपूर्ण के साथ संपूर्ण बने, समान बने, संपन्न बने, ऐसा बनना है हमें। स्लोगन है, जो व्यर्थ की फीलिंग से परे रहता है वही मायाजीत बनता है, जो व्यर्थ की फीलिंग से परे रहता है वही मायाजीत बनता है। व्यर्थ में कोई अर्थ नहीं है ना, और व्यर्थ के कारण देखो कैसी फीलिंग आती है, तो यही तो माया है ना, फंस जाते हैं माया में, तो इससे दूर रहना है, व्यर्थ की फीलिंग से दूर रहना, परे रहना, तो यही मायाजीत बनना है। तो ऐसा ही हमें बनना है, मायाजीत संपूर्ण ज्ञानी योगी। तो ये थी आज की मुरली, जिसका सुनते हैं सार। पुरुषार्थी भल है त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी, अभी न मिल सके दैवी अलंकार, खान पान की रखो बहुत परहेज, युक्ति युक्त योग युक्त हो गृहस्थ व्यवहार, निराकार शिव रचते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ, पतित नरकवासियों का करते उद्धार, जितना पुरुषार्थ करना है अभी कर लो, विनाश के पहले हो जाओ तैयार। ओम शांति।